हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मेरे पास घर पे कुछ भी खास सब्जी पड़ी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पड़ी हुई, तो बस जो आलू प्याज टमाटर जो बेसिक चीज़ें हैं वही है। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ जिससे बच्चे भी खुश हो जाए, और मेरे मियाँ जी यानी मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। मैं बनाने लगी हूँ आलू टिक्की बर्गर, लेकिन आलू टिक्की बर्गर में मैं सिर्फ आलू की ही टिक्की बनाऊंगी, उसमें कुछ मिक्स नहीं करूंगी। बहुत से लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं या पोहा डालते हैं, या बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन भी डालते हैं। मैं कुछ नहीं, सिर्फ आलू ही लूंगी और कुछ मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आलू टिक्की है तो उसमें सिर्फ आलू ही होने चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई उन बेसिकली उनका कहने का मतलब है कोई गाजर फलियां ये चीज़ें मत ही डालो। उबले हुए आलू मेरे पास पड़े हुए थे, आप देख सकते हैं, इसे मैं अब छीलूंगी। आलू को मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं आलू मैंने ग्रेट करके रख लिया है। इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, ताकि हम टिक्की में बाइंड के लिए कुछ भी नहीं डाल रहे और टिक्कियाँ टूटे ना, इसलिए तब तक मैं बर्गर में डालने वाला सामान काट लेती हूँ, जैसे कि प्याज, टमाटर, सैलड पत्ता। मैंने सलाद पत्ता, प्याज और टमाटर काट के रख लिया है बर्गर के लिए, और तवा मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। नमक ज़्यादा मत रखिएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसलिए कम रखते हैं क्योंकि हमने बर्गर में अपनी सॉस भी लगानी कर ली है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी हम टिक्की बना लेंगे। मैंने इसमें बाइंड के लिए कुछ भी नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर और बहुत आसानी से बन जाती है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और आज मेरे पास कुछ खास सब्जी भी पड़ी नहीं हुई थी कि क्या बनाऊँ, तो ये सबसे इजी रेसिपी है और बच्चे भी बहुत खुश होके खा लेते हैं। बच्चे तो छोड़ो, मेरे मियाँ जी बहुत खुश होके खा लेते हैं। बस आप चाहें तो इस आलू की टिक्की में आप थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चों को थोड़ा हैवी सा लगता है, उनको सिंपल प्लेन नॉर्मल जैसे होती है ना वही पसंद है आलू की टिक्की। अब आप चीज़ सोच रहे हैं कि इसके बीच में ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर भर के भी चीज़ को और इसको ऐसे बंद करके आप तब भी टिक्की बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन ही बनाई है। तवा हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। टिक्की को मैंने तवे पे डाल दी है, हम इसे नॉन स्टिक तवे पे रख देंगे, और इसे हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे मैंने अभी सिम पे रखा है ताकि ये तो आराम से अच्छी तरह पक जाए। ये मैंने बर्गर में सॉस रेडी करी है, इसमें मैंने ग्रीन चिली, रेड चिली और थोड़ा सा विनेगर डाल के मिक्स कर लिया है। टिक्कियों को अब हम पलट लेंगे, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ब्राउन हुई है, और जब अपनी फ्लेम है अब उसे हम थोड़ा मीडियम कर देंगे स्लो से। ये जो चटनी है जो मैंने अभी सारी मिक्स करके आपको बताई थी, बाकी ये सारी सॉसेस है, मेरे बच्चों को जोन जोन सी पसंद है वो मैं मिक्स करके उनको देती हूँ, क्योंकि कोई मस्टर्ड खाता है तो कोई स्वीट अनियन खाता है, कोई कैसे। लेकिन पर्सनली मुझे बर्गर में ना सिंपल थाउजेंड आइलैंड या मेयो लगी हो, और वो जो मैंने चिली डिप सी रेडी करी है ग्रीन चिली एंड रेड चिली और विनेगर को मिक्स करके, वो बहुत यम लगती है, साथ में चीज़ स्लाइस। लेकिन यहाँ पे चीज़ स्लाइस के साथ कोई भी नहीं खाता, फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं एक बर्गर विथ चीज़ बना के आपको दिखाऊँ। टिकिया हमारी झटपट से रेडी हो गई है, ये बिल्कुल तैयार है। बर्गर बन मैंने मेरे पास घर पर ही पड़े थे, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश ओवन के लिए बर्गर बन, टिक्किया हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी,
तवा मैंने बंद नहीं करा, बर्गर बन को मैंने आधा काट लिया और उस पर हल्का सा बटर लगाकर उसको मैं सेक लूंगी बन को। एक हाथ से मैं बना रही हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, क्योंकि शूटर अभी मेरा बिजी है, उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो पढ़ रही है, और हमें इसको ज़्यादा करारा नहीं करना। इसको मैंने टर्न कर लिया है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा मेरे साथ। अब मैं इसमें डालूंगी वो सॉस जो मैंने घर पे रेडी करी थी, सारी ग्रीन चिली और रेड चिली को मिक्स करके। इसका टेस्ट बहुत यम आता है, आप ये बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो लोग पेरी पेरी सॉस लगाते हैं, मुझे पर्सनली ये पसंद है। अभी मैं अपने हबी के पसंद का बना रही हूँ, तो उनको हरीसा पसंद है, तो थोड़ी सी हरीसा भी डालूँगी मैं इसके ऊपर। रखूँगी आइसबर्ग जो मेरे पास घर पे ही पड़ी थी, साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़े से प्याज और साथ में दो टमाटर की स्लाइस जिसके मैंने सीड निकाल लिए थे। और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर थोड़ी सी थाउजेंड आइलैंड, और प्लीज़ फ्लेम जो है वो स्लो ही रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अपनी हमारी टिक्की जो हमने बन बर्गर बन में लगानी थी, और इसको मैंने थोड़ा सा स्पैचुला से फ्लैट कर दिया है, टिक्की को दबा के ऐसे। अब आप इस पे एक चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं, लेकिन चीज़ स्लाइस मेरी कोई भी नहीं खाता इसलिए मैं नहीं लगा रही। मैंने आपको दिखा दिया कि आप इस बर्गर इस टिक्की के ऊपर ऐसे चीज़ स्लाइस लगा लीजिए, लेकिन मेरे मियाँ जी नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं लगाई। और इस बर्गर को अब हम कर देंगे बंद, और यह हमारा यम्मी सा बर्गर, यम्मी सा ब्रेकफास्ट जो मर्जी कह लो तैयार है। एक और बर्गर तैयार कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट सॉस वाला होगा। इस पर भी मैंने हल्का सा बटर लगा दिया है। जब बर्गर बन से बटर हमारा मेल्ट हो जाए, मीन सॉफ्ट हो जाए ऐसे, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी वापस से। इसे हमें ज़्यादा देर तक बन को तवे पे नहीं रखना होता, नहीं तो बन जो है वो हमारा हार्ड हो जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिराचा, ये मैं इसमें अब दूसरी सॉसेस डालूंगी, अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ सलाद पत्ता, आइसबर्ग, और साथ में डाल रही हूँ प्याज, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी स्वीट चिली, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक टिक्की, इस टिक्की को भी मैंने अपने स्पैटुला से फ्लैट कर दिया है। जो दूसरी साइड के बन पर मैं लगा रही हूँ जो मैंने सॉस घर पे रेडी की थी। अगर आपके पास नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप मिर्ची नहीं खाते तो आप सिंपल नॉर्मल केचप भी लगा सकते हैं। आप लोगों के चक्कर में मैंने आज पति देव को बटा लिया है, और इसके ऊपर रख दिया है मैंने चीज़ स्लाइस। जिस बन पर मैंने वो जो सॉस लगाई थी उस पर अब मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी थाउजेंड आइलैंड। आप मेयो लगा लीजिए, मेयो अभी मेरे पास है नहीं। इस चीज़ स्लाइस के ऊपर मैं वापस से रखूँगी सलाद पत्ता, और इसे मैं कर दूँगी बर्गर को बन। झटपट से तैयार होने वाला हमारा बर्गर, वेज बर्गर बिल्कुल तैयार है। पति देव बैठे हैं टेबल पे इंतजार कर रहे हैं, चलाओ उनको खिलाते हैं। लो चली मैं अपने मियाँ जी को बर्गर खिलाने। शुक्र है बर्गर आए तो आए, इतनी भेंट कराई है तूने बर्गर से। और मैंने सबको बोला ये झटपट बन जाते हैं, सबको रेसिपी शेयर कर रही थी इसलिए देर हो गई। और मैं चीज स्लाइस भी तूने डाला है, अरे यार खा लो ना। सिराचा किसमें डाली है? सिराचा चीज स्लाइस वाले में। सिराचा मेरी फेवरेट है इसलिए मैंने पूछा है। सब ठीक है? टू गुड। प्लीज आप बनाएं, सेम रेसिपी शेयर करें, अब सेम रेसिपी से बनाएं, फॉलो करें इसकी रेसिपी। ट्रस्ट मी Everyone in your house will love it. Trust me. क्या बात है? सुबह सुबह आज क्या बात है? तारीफें हो रही हैं बीवी के। रात को भी खाना खाना है ना भाई? समझा करो। अब ये बर्गर एंजॉय कर रहे हैं और मैं इनके सामने बैठी हूँ, इन्हें देख रही हूँ और मैं इनको एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी बनाएं, खाएं, शेयर करें और अपना प्यार देते रहिए। प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब ऑल्सो।
बेल आइकन को दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।